बारिश हो रही है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। आमजन से लेकर किसान तक एक साथ इतनी भारी बारिश से परेशान हैं। इस वीडियो में जानिए कि आखिर क्यों हो रही है इतनी भारी बारिश, कब तक रहेगी जारी और किसानों के लिए क्या है सुझाव। सबसे पहले बात करते हैं कि इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। IMD के अनुसार दो मजबूत सिस्टम की परस्पर क्रिया यानी पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के मिलने की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश हो रही है। अब बात करते हैं कि ये बारिश कब तक होगी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। वहीं आने वाले दिनों में यहां से उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि परस्पर क्रिया करने वाले दोनों सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए बादल केमोबेश स्थिर है और एक छोटे से क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हो रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमने मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से बात की। अब बात करते हैं कि बारिश से कब राहत मिलेगी। उसके बाद 14 जुलाई से वर्षा की तीव्रता में कमी आना आरंभ हो जाएगी, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जो लो प्रेशर एरिया है उसका भी प्रभाव सीमित हो जाएगा और मानसून ट्रफ थोड़ा दक्षिण दिशा में खिसकना आरंभ कर देगी। अब जानिए कि अगले एक हफ्ते की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में पहले दो दिनों के दौरान यानी कि 10 और 11 जुलाई को अनेक स्थानों पर यानी कि 50 से लेकर 75% स्टेशन पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद ये जो कम दबाव का क्षेत्र है वो धीरे धीरे पूर्वी दिशा में या उत्तर पूर्वी दिशा में गति करते हुए वो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उससे लगे हुए दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर बारिश की क्षेत्रफल और तीव्रता दोनों में वृद्धि होगी तथा 12, 13 और 14 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव क्षेत्रफली वितरण की दृष्टि से नहीं पड़ेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले 5-6 दिनों के दौरान 50 से लेकर 75% स्टेशन पर फेयरली वाइडस्प्रेड रेन होने की संभावना है। वहीं किसानों के लिए क्या सुझाव है। गन्ने की बात करें तो उसमें कल्ले निकल रहे हैं या वो अधिकतम वानस्पतिक अवस्था में है। ज्यादा बारिश होने पर उसमें जल भराव के कारण फसलों का विकास रुक जाता है, तो अत्यधिक जल भराव की स्थिति में वहां गन्ने से भी पानी निकालने के लिए उचित प्रबंध करें। सब्जियों में जो है वो कली निकल रही है या बेल वाली फसलें हैं तो उनके उनके लिए उचित प्रबंध करें कि जिससे वो गिरने ना पाए व डूबने ना पाए, तो उनको उचित सपोर्ट प्रोवाइड करें तथा ज्यादा पानी की अवस्था में पानी बाहर निकाल दें तथा फलों में जैसे आम, अमरूद और केला, इनमें फलन की अवस्था है तो ज्यादा पानी इनको भी नुकसान करता है तथा परिपक्व फल गिरने लगते हैं, तो इसमें सिंचाई ना करें तथा ज्यादा पानी यदि हो तो उसे भी बाहर निकाल दें। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान तक। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। खेती में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति को उत्तर प्रदेश सरकार गति दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से सिंचाई करने की योजना तेजी से फल फूल रही है। राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था में बिजली की कमी और बाधाओं को देखते हुए लोगों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका जीरो हो जाएगा, हमें उपयोग करना चाहिए। और ये वहां पे एक दो बिजली के बल्ब भी जलवा सकता है इसके माध्यम से, हमने देखा है, मैंने उसका प्रदर्शन देखा है, बहुत अच्छा सफल है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पूरे देश में शक्ति सोलर पंप योजना चलाई जा रही है, जिसका उत्तर प्रदेश के किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत
खेत में सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। स्कीम में 2, 3, 5, 7.5 और 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाने का प्रावधान है, जिसमें किसान 2, 3 और 5 हॉर्स पावर के पंप सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 31 मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 39,610 सोलर पंप लगाए गए। सर, हम अपने कृषि केंद्र पर जाते थे और वहीं पर हमें पता चला वैज्ञानिकों द्वारा कि मतलब कि इससे सिंचाई में सुविधा होती है और हमें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी और हमें फ्री में पानी मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि कैसे लगवाएं, तो वहीं पर गए तो वो लोग बोले बताए इसके विषय में और वहीं से जानकारी लेकर के हमने इसे लगवाया है। लागत में कमी आया क्योंकि हमें तो कास्ट बिजली का कास्ट से बचत हो गई। सर, कोई टेंशन नहीं है, अब चाहे हवा रहे पानी रहे बिजली जाए आए कोई मतलब नहीं है, हमारा जब जी चाहेगा हम चला लेंगे इसे। सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य है खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। किसान सिंचाई के लिए बिजली, पेट्रोल और डीजल के पंप सेट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सोलर पंप के प्रयोग से उनकी ये निर्भरता कम होगी और वो कम खर्च में अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि राज्य के किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो और वो कम लागत में अच्छी पैदावार कर सके। मैंने जाकर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर पता किया तो वहाँ के कृषि उपनिदेशक ने हमें बताया कि सब्सिडी पर सोलर पंप आया हुआ है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता एवं बिजली की बचत के लिए आप इसको लगवा सकते हैं। तो मैंने जाकर अपना खतौनी और बैंक का पासबुक, आधार कार्ड लेकर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया और इस योजना का लाभ पाया। सोलर पंप सिर्फ किसानों के लिए ही फायदेमंद स्कीम नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रभाव डालने वाली दूरदर्शी योजना है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम और बिजली को भी बचाया जा सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इससे प्रदूषण में कमी आती है। इससे ये योजना विश्व स्तर पर चल रही क्लाइमेट चेंज की चिंता को भी कम कर रही है।